बप्पा के विसर्जन को लेकर महानगर पालिका अपनी कमर कसती हुई दिखाई दे रही है। देर रात सड़कों की मरम्मत करते हुए शहर अभियंता दिखाई दिए। बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य के आदेश पर शहर की सड़कों की जो खस्ता हालात है, उस हालात से किस तरह से निजात पाया जाए, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि आप देख सकते हैं कि देर रात में सड़कों पर खड़े होकर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के शहर अभियंता सचिन नाइक काम कराते हुए दिखाई दिए, सड़कों की मरम्मत करते हुए दिखाई दिए। तस्वीर भादौड़ से लेकर सोनाली गांव की है, जहां पर सड़क की मरम्मत कराई गई। बता दें कि वहां पर कनिष्ठ अभियंता विनोद भोईर भी मौजूद थे। नागपोली पुलिस स्टेशन से लेकर रतन टाकी तक की जो खड्डे की खस्ता हालात थी, जहां आपको बता दें कि मुख्य रास्ता था, मुख्य रास्ते पर गणपति बप्पा का आगमन और आगमन के दरमियान गड्ढों का सामना, इस बीच गड्ढों को भरने का काम वहां पर महानगर पालिका द्वारा किया गया। तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां देख सकते हैं सुतार अली मदर चिल्ला तिलक चौक, यहां पर भी गड्ढों को भरने का काम किया गया, सड़कों की मरम्मत की गई। इस बीच आपको बता दें कि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका सड़कों को लेकर तत्पर तो है, लेकिन मानसून जो है अपनी चरण सीमा से पार होता हुआ दिखाई दिया। और इस बीच आपको बता दें कि जब जब सड़क के काम की शुरुआत की गई, तब मानसून ने अपना दस्तक दिया, जिसके कारण काम को पूरी तरह से रोकना पड़ गया। महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य ने हमें जानकारी दी कि हम काम करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन मानसून जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, जिसके कारण सड़क के काम करने में और उसकी मरम्मत करने में उन्हें काफ़ी कठिनाइयां, काफ़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। बीच आपको बता दें कि महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य के आदेश पर ही आप तस्वीर में देख सकते हैं कि देर रात भिवंडी शहर के कई इलाकों में सड़क की मरम्मत करते हुए दिखाई दिए। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के हद में भिवंडी शहर की सड़कों पर गड्ढे होने के कारण काफ़ी तकलीफों का सामना उठाना पड़ा, लेकिन महानगर पालिका के आयुक्त अजय वैद्य ने विशेष तौर पर गणेश भक्त को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो, इसके लिए आप तस्वीर में देख सकते हैं कि देर रात भी सड़कों की मरम्मत के काम की शुरुआत चल रही थी।